नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। माफिया कुंटू सिंह का एक और भवन ध्वस्त होगा। प्रशासन ने शनिवार को मुनादी कराकर नोटिस चस्पा कर दी। यह भवन अजीत सिंह हत्याकांड के अभियुक्त कुंटू सिंह की पत्नी के नाम से है। पुलिस ने डुग्गी पिटवाकर भारी फोर्स के साथ एक मंजिल भवन को किराएदारों से शनिवार को खाली करा लिया। वाराणसी जोन का टॉप 10 अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह की संपत्ति का प्रशासन की सख्ती शनिवार को भी जारी रही। रानीसराय थाना क्षेत्र के बैल ईशा के पास स्थित तकरीबन 2 करोड़ की संपत्ति के बने मकान पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर अपने कब्जे में कर लिया। पुलिस की कार्यवाही से हड़कंप मच रहा। जिलाधिकारी के निर्देशन में रानी की सराय थाना क्षेत्र के नीबी बैल ईशा में स्थित एक मंजिल भवन में स्थित 4 दुकानों को खाली करवा लिया गया। शनिवार की दोपहर करीब 1 बजे पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे, तहसीलदार सदर अनिल पाठक, रानी की सराय थाना, सिधारी थाना व पीएससी मौके पर पहुंचकर मुनादी कराई। तहसीलदार सदर भवन को भवन का प्रशासक नियुक्त कर किया गया। तहसीलदार सदर ने बताया कि भवन की रजिस्ट्री के समय स्टैम्प में 55,54,000 रुपये कीमत दर्शाई गई है। भवन की मालिक वंदना सिंह को 3 माह की नोटिस दी गई। इस दौरान उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। आजमगढ़ फूलपुर से असगर आजम की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? देखिए, आज ये अवैध निर्माण की दस्य कड़ी कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हम और डीएम साहब पर मौके पर मौजूद हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाकी सारे अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। सर, ये अवैध निर्माण किसका? जी, ये अवैध निर्माण कुंटू सिंह का है और ये उन्हीं का मकान है और जो नगर पालिका क्षेत्र में जो निर्माण अवैध होता है उसको कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका है, उनके द्वारा ही कार्रवाई आज की जाए। सर, पंचायत चुनाव आगे है, सर उस पर क्या प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि सर अपराध भी इस तरह का? देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दिनों से लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और कड़ी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध की जा रही है जिसमें तमाम बड़े अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है और अपराधी मारा भी गया है जो एक मर्डर में वांटेड था। तो कड़ी कार्रवाई लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है, तमाम अपराधी जिला बदर किए गए हैं, तो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, 14 की कार्रवाई की गई, तो ये कार्रवाई अभी आगे और तेजी के साथ की जाएगी और पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। सर, जिस तरीके से कल राजधानी में गैंगवार की स्थिति आती है, आजमगढ़ से तार जुड़ा होता है, ऐसे में आजमगढ़ पुलिस किस तरीके से एक्टिव है और क्या काम कर रही है? देखिए, आजमगढ़ पुलिस पहले से एक्टिव थी और यहाँ पर जितने भी उसके एसोसिएट्स थे, जो यहाँ पर क्रिमिनल्स बंद हैं, जो क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको लगातार ट्रैक किया जा रहा है, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है, उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है और जो लोग अब आगे की कड़ी में जो लोग इन्हें शरण देने वाले हैं, जो लोग इनकी पैरवी करने वाले हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये चैन तोड़ी जाए और इन्हें जो सुविधा बीच में मिलती है अंदर रहने के दौरान वो ना मिल पाए। सर, जनपद के कई ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे कि ऐसे लोगों का कब्जा है, सर ब्लॉक प्रमुखी पे? देखिए, अभी आगे आने वाला चुनाव है और चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराना पुलिस प्रशासन का कार्य, शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराया जाएगा और बाकी जनता का अधिकार है किसे चुनना है किसे नहीं चुनना।